आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राफेल सौदे को विश्वव्यापी भ्रष्टाचार बताया। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा कि विश्वव्यापी भ्रष्टाचार, ये राफेल विमान वाकई में बहुत दूर तक और तेज उड़ता है, अगले हफ्ते में कुछ बड़े बम गिराने वाला है। मोदी जी कृपया अनिल अंबानी को बताइए कि फ्रांस बड़ी समस्या में है। बता दें कि राहुल ने जिस रिपोर्ट को शेयर किया है उसमें कहा गया है कि जब राफेल को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी तब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की पार्टनर को फिल्म निर्माण में सहयोग किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए वार पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, जिस व्यक्ति का पप्पू से लेकर गप्पू तक का सफर झूठ का झुंझुना लेकर शुरू हुआ हो वो इसी तरह की बहकी बेसुरी और बेहुदा बातें करेगा। घोटाले के गुरु घंटालों को हर वक्त घोटाला ही नजर आएगा, देश का विकास प्रगति और सुशासन नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी अब बुजदिली पर उतर आए हैं। पहले आतंकी निहत्थे सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या कर रहे थे और अब आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के परिवार वालों पर धावा बोलना शुरू कर दिया है। आतंकी अब इन पुलिस कर्मियों के बच्चों और उनके परिजनों को अपना निशाना बना रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में पिछले 48 घंटे में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के 9 परिजनों को अगवा कर लिया है। अपहरण किए गए लोगों में पुलिस अधिकारियों और जवानों के बच्चे और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों ने 2 और पुलिस कर्मियों के बेटों को अगवा कर लिया है। ख्याति प्राप्त जैन मुनि तरुण सागर की हालत गंभीर बनी हुई है। उन पर अब दवाओं का असर होना भी बंद हो गया है, जिसके बाद अब उन्होंने आहार लेना भी त्याग दिया है। दरअसल 20 दिन पहले उन्हें पी लिया हुआ था, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैन मुनि ने इलाज कराने से भी इनकार कर दिया है और कृष्णा नगर के राधापुरी जैन मंदिर चातुर्मास स्थल पर जाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि बीमारी से लड़ रहे जैन मुनि ने संथारा लेने का फैसला कर लिया है। सिंगापुर में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब अमेरिका ने उत्तर कोरिया को लेकर फिर से कार्रवाई करते हुए अपने नागरिकों के उत्तर कोरिया जाने पर प्रतिबंध की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले साल लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 1 सितंबर को खत्म हो रही थी, जो अब अगले साल 31 अगस्त को खत्म होगी। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।